मैं औरत है मेरा इसमें शरीर, यही पहचान है मेरी और यही मेरी तारीफ। मुझको है फक्र कि उस कौम से निस्बत है मेरी, मुझको है फक्र कि उस कौम से निस्बत है मेरी, फातिमा मरियम और सीता है रहबर जिसकी। मैं माँ हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ, कभी बीवी हूँ, जिस किरदार में भी हूँ मर्द से वफा करती हूँ। हाँ मगर शर्त ये है कि पाऊं भी वफा, मैं भी इंसान हूँ, कमतर नहीं रुतबा मेरा। इंदिरा हूँ, टेरेसा हूँ, मलाला हूँ मैं, जिसने दुनिया को झुकाया है वो इरादा हूँ मैं। हाँ मगर मेरा ये हरगिज नहीं कहना कि मुझे बदतर समझे, हाँ मेरा हरगिज ये नहीं कहना कि मुझे बदतर समझे, मर्द हजरात मुझे बस बराबर समझे। मैं चलूं शाना बशाना तो बुरा ना माने, मेरी हुर्मत मेरी अजमत को पहचाने। बिनते हवा हूँ बात बड़ी है मेरी, मैं बिनते हवा हूँ बात बड़ी है मेरी, औरत जात है मेरी ये जात बड़ी है मेरी। ऑनरेबल चीफ गेस्ट ओआईसी चिनार कैप्टन बिपिन सर, मिस्टर एजीएस प्रिंसिपल शेख फयाज सर, पीआरटी एजीएस मिस फौजिया, and all the ladies and gentlemen present over here, I welcome you. This is Neelofar from AGS Naugaon. आज का ये शुभ दिन जहाँ पे हम सब यहाँ पे मिलके बैठे हैं, एक ऐसा दिन है जो औरतों के लिए ही बनाया गया है। 8 मार्च यानी इस दिन को औरतों का आलमी दिन कहा जाता है। मैं एक औरत हूँ और मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मुझे किसी एक चीज ने ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे खड़ी होके औरतों के बारे में बात करूँ, औरतों के बारे में आप तक पहुँचाऊँ कि औरत जो है हम क्यों इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं, 8 मार्च को क्यों सेलिब्रेट करते हैं। मेरी तरफ से यहाँ बैठी सारी औरतों को 8 मार्च की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको, और उन मर्दों को भी जो उन औरतों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं उनकी जिंदगी में, जितनी भी औरतें हैं चाहे वो उनकी बेटी हो, उनकी माँ हो, उनकी बहन हो, या उनका लाइफ पार्टनर हो, या उनकी फ्रेंड हो, जो उनके पीछे बैठ के उनको सपोर्ट किया है, उन मर्दों को भी इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस दिन के लिए, इस दिन को मनाने के लिए हम सब बात करते हैं, स्पीच देते हैं, अपने थॉट्स जो है सामने रखते हैं। इस चीज के लिए मैं यहाँ दावत देना चाहती हूँ चिनार नौजवान क्लब की एक स्टूडेंट को जिसका नाम आसिया अल्ताफ है। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, हम माए हम बहने हम बेटियाँ, हम माए हम बहने हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है, कौमों की इज्जत हमसे है, हम आईन महरू वफा हम कश्मकश हम इर्तिका, हम आईन महरू वफा हम कश्मकश हम इर्तिका, तारीख ने खुद लिख दिया इंसान रिवायत हमसे है। कहा जाता है कि मर्द और औरत गाड़ी की जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए होते हैं, लेकिन इस माशरे में जिसे मर्दों का माशरा कहा जाता है, बस सूरत में औरत वो गाड़ी का वो पिछला पहिया है जिसे सारा जोर लगाकर जिंदगी की गाड़ी को रवा दवा रखना पड़ता है। आज का दिन औरतों का आलमी दिन मनाया जाता है। औरत पर तशद्दुद हमारे माशरे का इंतहाई दर्दनाक आलमिया है। अफसोस इस बात का है कि इस तशद्दुद का आगाज घर के ही मनफी रवैयों से होता है। आजकल का ये दौर जिसे आजादी का दौर कहा जाता है, जहां ये कहा जाता है कि मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर के हकदार हैं, दोनों बराबर आजाद हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ औरत पर तशद्दुद किया जाता है, औरत को मर्द से कम समझा जाता है और मर्द को ज्यादा अहमियत दी जाती है, औरत को इसके हकूक से महरूम रखा जाता है। इन सब में शरीक होकर फिर भी सब कहते हैं कि औरत आजाद है। वाहिद तालीम ही एक जरिया था औरत के पास, किसी हद तक वो भी उसे छीन लिया जाता है। अगर हम इस्लामी रुख से देखें तो इस्लाम ने मर्द के साथ साथ औरतों के हकूक को भी अता किया है और औरत को एक आला मकाम अता किया कि अगर औरत बेटी है तो रहमत, अगर बीवी है तो शौहर के नसब ईमान की वारिस, और अगर माँ है तो इसके कदमों तले जन्नत। लेकिन इन
तमाम रुतबों के बावजूद कहीं उस पर तेजाब फेंका जा रहा है तो कहीं उसकी इज्जत को उछाला जा रहा है, कहीं वो गैरत के नाम से कत्ल हो रही है तो कहीं उस पर सरेआम तशद्दुद किया जा रहा है। लास्ट पे मैं यही कहना चाहूंगी कि इस माशरे को औरत के रुतबे और मुकाम को समझना चाहिए। समझना चाहिए, क्या समझना होगा? उसे खुले दिल खुले जहन से तस्लीम करना होगा, क्योंकि औरत हर हाल में काबिले एहतराम है। शुक्रिया। वहाँ पे अगर कोई मर्द अपना कोई काम भी कर रहा है, मुझे उसके बैठने के तरीके से ही पता चल जाएगा कि इस मर्द में क्या इनकी नियत है। तो अगर तो यहाँ पे गलती उस मर्द की नहीं है, मेरी है। एक चीज उस ज्वेलरी में सीखना है, आप बहुत बड़ा बुटीक क्रिएट कर सकते हो, आप सेलिब्रिटी डिजाइनर बन सकते हो जस्ट ज्वेलरी से। ये जरूरी नहीं है आपके पास बहुत बड़ी बड़ी पीएचडी डिग्रीज होनी चाहिए, पोस्ट डॉक डिग्रीज होनी चाहिए। आप अपनी छोटी सी स्किल से एक बहुत बड़ा कारखाना क्रिएट कर सकते हो। जब आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तो किसी मर्द की ये हिम्मत ही नहीं है कि वो हाथ तो दूर है आपके ऊपर नजर भी डाले। नो मैन हैव एवर दोस गट्स। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, किसी मर्द को इतने गट्स नहीं है कि वो आपको डोमिनेट करे। बट वी आर नॉट रेडी, वी आर जस्ट कि मेरे पापा कमा रहे हैं, मुझे महीने के 12,000 रुपए देने हैं। मेरा पति कमा रहा है, मुझे महीने के अंडे को मार खानी है, घर का काम करना है, बस हमें नो कम आउट ऑफ योर कोम्स, कम आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन्स, डू एजुकेट योरसेल्फ, डू एनीथिंग फॉर योरसेल्फ, बट डू नॉट बी डिपेंडेंट। प्लीज दिस वुमेन्स डे लेट्स टेक अ प्लेज कि हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। मुझे मेरे 2,000 क्यों ना मिले, मेरे मिलने चाहिए, पापा के नहीं, भाई के नहीं, हस्बैंड के नहीं, बेटे के नहीं, किसी के नहीं, मेरे अपने कमाए हुए मेरे हाथ से। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे दावत देना चाहती हूँ स्नोबर शफी ऑफ एशिया स्नो कॉप। स्नोबर प्लीज। मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल वुमेन्स डे एवरी ईयर ऑफ 8th मार्च। It is celebrated to promote women rights. It is celebrated to appreciate the contribution of women to the society. People usually wear purple ribbon while celebrating the festivals. Every year, Women's Day is celebrated with a theme that celebrates the message about importance of women. I am going to recite a wonderful poem on Women's Day, so let's start. Woman is a beautiful creation of God. As a daughter, you are naughty and cute. As a friend, you are very supporting. As a mother, you are very always caring. As a grandmother, you are always holding hands. As a woman, you make life worth living. Women are our country pride. We want to salute you. Empowerment of women leads to development of good family, good society, and ultimately a good nation. When a woman is happy, the home is happy. When the home is happy, the society is happy. When the society is happy, the state is happy. There will be peace in the country and it will develop at great ease. Wish you all.